बीते 6 अगस्त को बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बागबेड़ा बड़ौदा घाट आदिपुर राधा स्वामी सत्संग समिति के बीच नदी में बनाए जा रहे 22 पाया के पुल के ऊपर से पानी का पाइपलाइन को लेकर बागबेड़ा बड़ौदा घाट होते हुए गिरी झोपड़ी फिल्टर प्लांट तक जाएगी। आज इसका निरीक्षण बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के आंदोलनकारी एवं बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा एवं छोटराय मुर्मू के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्यगण ने पाया कि नदी पर 22 पाया में से 14 पाया का निर्माण हुआ था, जिसमें से एक पाया नदी में पानी के बहाव से सही कार्य नहीं होने के कारण गिर चुका है। सुबोध झा ने कहा है कि जो योजना अभी धरातल पर उतरी ही नहीं, जनता को इसका लाभ भी नहीं मिला और घटिया निर्माण के कारण यह पानी के बहाव में बह गया। निर्माण कार्य को अच्छी तरह से कराया जाए, उसी प्रकार से गिद्दी झोपड़ी में फिल्टर प्लांट के कार्य में जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है वो भी कई बार पानी के बहाव से गिर चुका है। इन सभी को मजबूती से निर्माण कार्य को अविलंब पूरा किया जाए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आगे भी भविष्य में फंड का दुरुपयोग ना हो, अच्छे निर्माण कार्य कराए जाए। इस आंदोलन के आंदोलनकारी सुबोध झा को इस योजना के बारे में स्वयं जानकारी कार्यपालक अभियंता अभय टोपो ने दी। वहीं सुबोध झा को बागबेड़ा के रेलवे क्षेत्र की बस्तियों, पिताड़ी के बस्तियों, घाविड़ी पंचायत क्षेत्रों में बचे हुए पाइपलाइन बिछाने का कार्य और जिस घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है उसे एक हफ्ते के अंदर कार्य का शुभारंभ कर दिया जाएगा। आज की बैठक में सारे निर्णय लिया गया और नदी में पानी कम होते ही अक्टूबर महीने से बचे हुए नया पाया का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और अप्रैल 2022 में घर घर पाइपलाइन के माध्यम से पानी विभाग एजेंसी को जवाबदेही देनी है और पूरा करके सुबोध झा के साथ निरीक्षण में छोटू राय मुर्मू, कृष्ण चंद्र पात्रो, रितु सिंह, प्रभा हाजा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।